हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन के वॉलंटियर्स के बारे में। जी हां दोस्तों, मार्च की जो वैकेंसी आई थी आप सभी को याद होगा, जिसमें 12,000 जो पोस्ट निकले थे उन सभी के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। उसके बाद उसका जो है 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग था, यानी कि ट्रेनिंग पे जाना था, क्योंकि 18 मार्च को जो है उसका रिज़ल्ट आने वाला था, मेरिट लिस्ट। और दोस्तों, ये वैकेंसी थी 10वीं पास पे। जी हाँ, 10th पास पे थी ये वैकेंसी। पहले आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड करने वाले थे, उसके बाद जिन लोगों को शॉर्टलिस्टेड होने के बाद उनका जो है डिप्टी कलेक्टर जो है इंटरव्यू लेने वाले थे। तो उसका जो है इंटरव्यू प्रोसेस इस समय चालू है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी जोन में जो है ऑलरेडी जो है ज्वाइनिंग भी हो चुकी है और उनकी लगभग ज्वाइनिंग हुए 1 महीने का समय भी बीत चुका है। जुलाई में जो है दोस्तों इसका ज्वाइनिंग जो है दे दिया गया है। जी हाँ, मेरे मुंबई से जो है कॉन्टेक्ट किया था, मुंबई जोन से जो है वहाँ पर जो है सेलेक्शन लिस्ट भी कम्प्लीट हुए, 1 महीने का समय बीत भी चुका है। अब बात रही अदर जोन के रिज़ल्ट के बारे में, तो दोस्तों रिज़ल्ट कैसे चेक करना होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको रिज़ल्ट आया है या नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है NYKS का जो ये फॉर्म था वॉलंटियर का, इस पे जो है आपकी इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे वॉलंटियर्स के लेकर रिजल्ट का लेकर या फिर मेरिट लिस्ट से संबंधित कोई भी अपडेट वहाँ पर नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, तो इसका रिज़ल्ट दोस्तों या फिर जो इसका आप मेरिट लिस्ट कहते हैं शॉर्ट लिस्टेड, वो आती है आपके ईमेल आईडी में। जी हाँ दोस्तों, आपको ईमेल आईडी में अपने चेक करना होगा, जीमेल आईडी जो आपने दिया होगा गूगल का, अपनी मेल आईडी खोलिए, वहाँ पर आप सर्च बॉक्स में डालिए नेहरू युवा केंद्र या फिर आप वॉलंटियर पोस्ट डालिए, इस प्रकार रिलेटेड संबंधित आप जो है सर्च इंजन में डालकर चेक कर सकते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट वो आपके जोन का निकला होगा तो शॉर्ट लिस्टेड लोगों की स्टूडेंट की जो है एक लिस्ट की PDF फाइल आपको अटैच कर दी जाती है, और इस फाइल में आपको लगभग जितने पोस्ट आपके शहर या फिर सिटी जोन में, जैसे मुंबई हुआ, कोल्हापुर हुआ, बनारस, वाराणसी हुआ, पुणे हुआ, जो भी सिटीज़ में जैसे जैसे फॉर्म निकले होंगे, पश्चिम बंगाल हो, चाहे मैं ऑल ओवर स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल का वैकेंसी था वॉलंटियर्स का, तो आपको जो है आपके जोन का अगर रिज़ल्ट जारी हो चुका हो तो आपको जो है एक PDF फाइल के साथ अटैच करके एक मेल आया रहेगा, जिसमें आपको एक जो आपका इंटरव्यू का वेन्यू है, यानी कि जो आपका जहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है उसका स्थान और आपका समय दिया होगा। साथ ही दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 दिन का ही समय मिलता है वो मेल आने के बाद। तो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि आपने समय पर मेल चेक ना किया और आपका जो है इंटरव्यू का डेट चला जाए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है कंटिन्यूसली जो है जीमेल आईडी दिन में 1 या 2 बार ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि कभी भी जो है इसका रिजल्ट जो है मेरिट लिस्ट जो है इसका शॉर्ट लिस्टेड है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, और उसके 2 से 3 दिन के बाद ही आपका इंटरव्यू हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द इसका प्रोसेस चालू हो चुका है, और आपके शहर का अगर अभी तक नहीं आया तो आप अपने मेल आईडी में जाकर चेक कीजिए, वहाँ पर NYKS डालिए, वॉलंटियर्स 12,000 पोस्ट से संबंधित जो भी आपको सर्च इंजन में डालकर चेक करना है, इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। अगर वो रिजल्ट आया होगा तो आपको एक PDF फाइल आई होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आपको जो है NYKS का जो वॉलंटियर्स का 12,000 पोस्ट है उसका जो है शॉर्ट लिस्टेड की मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आपका आंसर मिल चुका हो, क्योंकि वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि सर हमारे जोन का अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो कैसे हम रिजल्ट चेक करेंगे, वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, अब समझ में आपको आ गया होगा कि मेल में ही आपको जो है इसका सब कुछ अपडेट आने वाला है, और पर्सनली टेक्स्ट मैसेज भी नहीं आता, क्योंकि कभी कभी सर्वर का इश्यूज़ होता है और काफ़ी समय कुछ इश्यू ना होने के बावजूद भी जो है टेक्स्ट मैसेज नहीं आता, लेकिन मेल आपको कंपलसरी आने वाला है, तो अपने मेल पे कंटिन्यूसली निगाहें टिका के रखिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, आपको सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी जानकारी यहाँ पर आसानी से मिल जाती है।